सामने यहाँ पर रख चुके हैं। देखिए आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं भारत, बात करें जरा इनसे। अब यूनिवर्सिटी में फिलहाल जो पुलिस प्रशासन था पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए हालात जो है वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। निर्मल, पुलिस ने लाठीचार्ज आपके ऊपर किया क्या? मेरी बहन को उस कमल डागर ने पीटा, उसके कपड़े फाड़े मेरी बहन के। उस कमल डागर को यहाँ से पूरी छात्र शक्ति ने विरोध करके भगाया था, उसको वापस यहाँ लाया गया। उसने पीटा मेरे को सरकार के दबाव में पीटा। देखिए फिलहाल निर्मल चौधरी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी बहन को पुलिस की ओर से पीटा गया, महिला पर लाठी यहाँ पर बरसाई गई पुलिस प्रशासन की ओर से। आप देख रहे हैं महिला पर लाठी बरसाई गई, उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि पुलिस प्रशासन ने लाठी यहाँ पर चलाई है। फिर आप देखिए, ये देखिए आप, ये आपस में देखिए आप, ये देखिए आप, फिर से एक बार हाथापाई होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप, ये देखिए बढ़ती यहाँ पर फाड़ दी गई है। निर्मल चौधरी और फिर से एक बार गहमा गहमी पुलिस प्रशासन की ओर से, छात्रों की शक्ति के आगे लाचार यहाँ पर दिख रहा है पुलिस प्रशासन। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए निर्मल चौधरी और फिर से उनके समर्थकों के बीच में गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। गेट पर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए अब नीचे यहाँ पर बैठ चुके हैं। आप देखिए तस्वीर यहाँ पर देखिए, बड़ी तादाद में समर्थक हैं वो नीचे यहाँ पर बैठे हैं। लाठी चार्ज हुआ, गहमा गहमी हुई और उसके बाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। निर्मल चौधरी ने आरोप लगाया कि एक पुलिस अधिकारी ने उनकी बहन पर उनके कपड़े फाड़े और हाथापाई यहाँ पर की। अब देखिए पुलिस आपसी समझाइश करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है, लेकिन लगातार बड़ी तादाद में छात्र शक्ति होने के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। आप तस्वीर देख पाइए कि हजारों की तादाद में भारत निर्मल चौधरी ने जैसे छात्र बैठे हैं, अब यहाँ गेट यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर ये बैठ गए हैं। ये क्या मांग कर रहे हैं, क्यों यहाँ बैठे हैं? किया गया, कई छात्र इसमें घायल हुए और निर्मल चौधरी ने जो आरोप यहाँ पर लगाया कि उनकी बहन पर हमला किया। देखिए पुलिस प्रशासन आपसी समझाइश यहाँ पर कर रहा है।